तो दोस्तों मैनकाइंड फार्मा ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कंपनी की आईपीओ आई थी और ये आईपीओ का पहला रिजल्ट है इस कंपनी का। तो चलिए देखते हैं कैसे के नंबर है। डाटा बेसिकली लाख में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ, ईजी होगा आपके लिए। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 2090 करोड़ के आसपास, पिछले साल 1725 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 2052 करोड़ के आसपास है। तो पिछले क्वार्टर से देखें तो पिछले क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट 4% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में 1751 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1501 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1725 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कंपनी का जो खर्चे हैं वो इस क्वार्टर में थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पहले पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 295 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 192 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 293 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट फ्लैट है, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। 1% के आसपास की गिरावट है तो बुरी गिरावट नहीं है वो, लेकिन साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के जो प्रॉफिट है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ईपीएस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 7.09, पिछले साल 4.74, अभी देखें तो 7.13 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर का जो नंबर है, अगर क्वार्टर क्वार्टर कंपेयर करें तो क्वार्टर क्वार्टर मेरे हिसाब से फ्लैट ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, एवरेज है क्वार्टर क्वार्टर, लेकिन साल दर साल एक अच्छा खासा नंबर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से शेयर प्राइस अभी भी आईपीओ प्राइस के लिस्टिंग प्राइस के आसपास पर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिला है। तो हो सकता है इस नंबर के बाद एक तेज़ी आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकती है, लेकिन याद रखिएगा मैं एक चीज़ आपको हाईलाइट करना चाहूँगा। अक्सर होता है कि पहले रिजल्ट के बाद जब दूसरा रिजल्ट आता है कंपनी का तो उसमें थोड़ा सा कंपनी के रिजल्ट के अंदर दबाव देखने को मिलता है। तो दूसरे रिजल्ट के लिए थोड़ा इंतजार मत कीजिएगा, उससे पहले अगर आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।